नमस्कार, हिमाचल अभी .com से मैं पल्लवी शर्मा, पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 28 मंत्रियों ने ली शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से बनाए 11 मंत्री। जीवीके ग्रुप के चेयरमैन व उनके बेटे के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस। भारत में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,148 नए मामले, 434 मरीजों की गई जान। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना ने बढ़ाई निगरानी। 59 चाइनीज ऐप बैन पर केंद्र सरकार की समिति ने भी लगाई मुहर, कंपनियों को मिल सकता है एक मौका। यूपी में 50 करोड़ से ज्यादा की सैलरी ले चुके 117 फर्जी टीचरों को लौटाना होगा पूरा वेतन। मैक्सिको में नशा मुक्ति केंद्र पर अटैक, गोलीबारी में 24 लोगों की गई जान, 7 घायल। मंडी पहुंचे CM जयराम, दोपहर बाद जाएंगे मनाली। मंडी में 2 साल की बच्ची को किडनैप करने आया था युवक, ग्रामीणों ने पकड़ कर की धुनाई। यूपी से राज्यसभा सांसद बनाने का लालच देकर धर्मशाला के तांत्रिक से ठगे 13 लाख रुपए। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की बागडोर थामी थी, लेकिन कोरोना काल में पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना। शिवराज कैबिनेट का आज विस्तार किया गया। आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से 11 मंत्री हैं। सबसे पहले गोपाल भार्गव ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इसके बाद हरसूद सीट से विधायक विजय शाह ने शपथ ली। मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा ने शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से पूर्व विधायक विसाहू लाल सिंह ने शपथ ली। इसके बाद खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह, सुमावली सीट से पूर्व विधायक इंदल सिंह कसाना ने विधायक पद की शपथ ली। इन्हें दिग्विजय सिंह का करीबी बताया जाता था, मंत्री पद नहीं मिल पाने के कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद पन्ना से बीजेपी विधायक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। नरेला सीट से विधायक विश्वास सारंग ने मंत्री पद की शपथ ली। GBK समूह के अध्यक्ष जी वेकेंट कृष्णा रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 705 करोड़ रुपए की अनियमितता के आरोप में CBI ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला मुंबई हवाई अड्डे के उन्नीकरण और रखरखाव में अनियमितता बरते जाने से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले में CBI ने GBK के अध्यक्ष और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 9 कंपनियों के कई अधिकारियों के नाम भी शामिल किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इन पर 705 करोड़ रुपए की अनियमितता और साल 2012 और 18 के बीच सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है। CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी का गठन GBK एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। इसमें 50% की हिस्सेदारी GBK के पास है, वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास 26% की हिस्सेदारी है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 19,148 मामले आए, वहीं इस वैश्विक महामारी से एक दिन में 434 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के कुल मामलों की बात करें तो आंकड़ा 604,641 पहुंच गया है। कोविड-19 ने भारत में अब तक 17,834 मरीजों की जान ले ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी 2,26,947 एक्टिव केस हैं, साथ ही अभी तक 3,59,860 मरीज इस बीमारी से या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 12 दिनों में करीब 2 लाख पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दुनिया की बात करें तो वैश्विक महामारी के मामलों में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक दुनिया भर में 5 लाख से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है। इसी बीच सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर भी निगरानी बढ़ा दी है ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल किया जा सके। रक्षा मामलों के संसदीय स्थायी समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ने आगाह किया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2014 में संसदीय समिति को बताया था कि अगर चीन भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करता है तो पाकिस्तान भी भारत को अशांत करने की कोशिश करेगा। हाल में हुई सैन्य गतिविधियों की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि भारत में इस समय दोनों मोर्चे पर युद्ध की वैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सुरक्षा बल हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अभी दोनों मोर्चों पर युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन हमें चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने के लिए सैन्य रूप से तैयार रहना होगा।
भारत में 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर केंद्र सरकार की समिति ने भी मुहर लगा दी है। इस कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा सीईआरटी इंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन ऐप्स की डाटा साझा करने की कार्यप्रणाली के मद्देनजर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सचिव ने अपनी इमरजेंसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बैन लगाने का फैसला किया था। सरकार की समिति ने भी अपनी बैठक में इस फैसले को सही माना है। बता दें कि चीनी ऐप्स पर अंतरिम रोक लगाई गई है। अब अंतिम फैसला लेने से पहले इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर इन कंपनियों के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। गौर हो कि शनिवार देर रात को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। बैन ऐप्स में सबसे अधिक पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अनामिका शुक्ला फर्जी डिग्री केस के खुलासे के बाद यूपी में अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। फर्जी कागज तैयार कराकर शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं पर शासन ने शिकंजा कस दिया है। एटा के 117 शिक्षकों से रिकवरी का आदेश शासन ने बीएसए को दिया है। यह 50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। शासन ने निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा नहीं हुआ तो आरसी काट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के लेखाकार नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन से जिले में 117 फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं से वेतन आदि की रिकवरी का आदेश मिला है। शिक्षकों से रिकवरी का आगणन पूर्ण होने पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा। फर्जी शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 बार नोटिस जारी किया जाएगा। पैसा जमा होने पर उनके बाद आरसी जारी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा ये पूरी प्रक्रिया बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से ही पूर्ण होनी है। नोटिस प्रक्रिया में 2-3 दिन का समय लगेगा। मेक्सिको में गोलीबारी का मामला सामने आया है। गुआनाजुआतो प्रांत के इरापुआतो शहर में कुछ सशस्त्र हमलावरों ने एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला कर दिया। इस हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। ये गोलीबारी बुधवार को की गई। जानकारी के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्र में कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र पंजीकृत भी नहीं है। गुआनाजुआटो में पुलिस से मिली जानकारी में बताया गया कि हमलावरों ने केंद्र में सभी को निशाना बनाया, किसी का अपहरण नहीं किया गया है। गोलीबारी क्यों की गई अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। लेकिन गवर्नर डिगो सिन्हुई ने कहा है ऐसा लगता है इसके पीछे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का हाथ शामिल है। सीएम जयराम ठाकुर आज अपने गृह जिला मंडी व मनाली के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले वे मंडी के कांगनी हेलीपैड पहुंचे। सीएम ने मंडी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे विपाशा सदन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर बाद जयराम ठाकुर मनाली का दौरा करेंगे। यहां पर वे वीआरओ अधिकारियों के साथ रोहतांग टनल के कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। वे रोहतांग टनल के साथ साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक भी जाएंगे। टनल का निरीक्षण करने के बाद सिस्सू हेलीपैड से वापस शिमला के लिए रवाना होंगे।
कोरोना संकट के बीच जिला मंडी के बलह उपमंडल के सियाह में 2 साल की बच्ची को किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया है। सही समय पर लोगों को पता चल गया और उन्होंने बच्ची को किडनैप होने से बचा लिया। ग्रामीणों ने युवक की जमकर धुनाई कर डाली। इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार बिमला देवी गाँव पटड़ी घाट ने वलय थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपने परिवार के साथ सियाह में दूध की डेयरी में काम करती है और उसकी 2 साल की बच्ची दिव्यांशी पड़ोसन श्रेष्ठा शर्मा की धोतियों के साथ सियाह ग्राउंड में खेल रही थी। उसी समय एक युवक अचानक बच्ची को किडनैप करके ले गया। स्थानीय लोगों की मदद से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसे छुड़ाया गया। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने युवक की जमकर धुनाई भी कर डाली। किडनैपर की पहचान पंकज 23 वर्ष निवासी गांव भ्यारटा के रूप में हुई है। एसपी गुरुदेव चंद शर्मा ने बताया कि युवक के खिलाफ बच्ची को किडनैप करने का मामला दर्ज किया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। धर्मशाला के साथ लगती ग्राम पंचायत सराह में लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सराह गांव के तांत्रिक विकास कुमार से एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बनाने का लालच देकर 13 लाख रुपए ठग लिए। विकास ने धर्मशाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया है। आरोपी नीलेश ठक्कर ओडिशा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सराह गाँव के तांत्रिक विकास कुमार को बताया कि उसके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ घनिष्ठ संबंध है और उसने उसे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करवाने का झांसा दिया। इसके चलते तांत्रिक विकास कुमार ने लोक निर्माण विभाग से हाल ही में रिटायर हुए पिता के पैसों से राज्यसभा में सांसद मनोनीत होने के लालच से लाखों रुपए नीलेश के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। रुपए ट्रांसफर होने के साथ ही उसने अपने सारे टेलीफोन व अन्य संपर्क बंद कर लिए हैं। धर्मशाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि तांत्रिक विकास कुमार की शिकायत के आधार पर ओडिशा निवासी नीलेश ठक्कर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए 7:30 PM। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।